प्याज का रेट लगातार शतक की तरह आगे बढ़ रहा है। 15 दिन में प्याज का रेट 40 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले एक महीने में प्याज 100 रुपए प्रति किलो तक बिक सकता है। प्याज के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे दामों से आम जनता के साथ साथ सब्जी विक्रेता व फास्ट फूड का काम करने वाले कारोबारी भी परेशान हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में प्रतिदिन करीब 250 से 300 टन प्याज की खपत होती है, लेकिन प्रदेश में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से प्याज की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं आ रही है। सप्लाई में 15 से 20% तक की गिरावट आई है। यही वजह है कि प्याज का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि प्रतिदिन रेट में 2 से 3 रुपए का इजाफा हो रहा है। बेकाबू प्याज का रेट आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में प्याज की सप्लाई डिमांड के मुताबिक नहीं हुई तो लोगों को 100 रुपए किलो तक प्याज खरीदना पड़ सकता है। प्याज के लिए दिन रात बढ़ रहे दामों से आम जनता के साथ साथ सब्जी विक्रेता व फास्ट फूड का काम करने वाले कारोबारी भी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि हर दिन प्याज के नए दाम आ रहे हैं, ऐसे में प्याज रसोई से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्याज गरीब से लेकर अमीर आदमी की जरूरत है और इसके दाम कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। प्याज के रेट जो दिन प्रतिदिन जो है काफी रेट बढ़ रहे हैं इसके, और एक आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है इसमें। प्याज की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये हर घर की जरूरत है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़े घर में इसका यूज किया जाता है। लगभग 2 महीने से दिन प्रतिदिन इसकी कीमत बढ़ती जा रही है। पहले 2-3 किलो इकट्ठा लाते थे, अभी 1 किलो ला रहे हैं, क्योंकि जितने में 3 किलो प्याज आता था उतने रेट में 1 किलो आ रहा है, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। देखिए, प्याज एक ऐसा जरूरतमंद और ऐसा मतलब जरूरत की चीजें हैं जो हमारा जिसके बिना हमारा रसोई की जो बुनियादी सिस्टम जो वो खराब हो जाते हैं, जिसके बिना हमारा सब्जी बनता ही नहीं। आज प्याज की जो हालत है वो 50-60 के करीब पहुंच चुका है, जिससे हर परिप आज पूरे देश की जनता प्याज की बढ़ती महंगाई से परेशान में है। प्याज ने जिस तरीके से रोज के रोज 5-10 रुपये की बढ़ती हो रही है, इससे आम आदमी के बजट फेल हो रही है। और आज ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी प्याज की दिक्कतें जनता को झेलना पड़ा, जिससे आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रही है। और आज बाज़ार में जो हालत है, प्याज के बिना सब्जी बनता नहीं है। और इस प्याज की जो रोज बढ़ रही है रेट, इससे हर आदमी की दिक्कतें बढ़ रही है। इसके लिए सरकार को चाहिए इसके लिए कोई जरूरी ठोस कदम उठाए, जिससे कि आम आदमी की जो रोजमर्रा जरूरी चीज है इसमें लगाम लग सके। एक सबसे जरूरी बात ये देखा जा रहा है, एक छोटे से छोटे ढाबा, उसके बाद रेस्टोरेंट ले लो, जहाँ एक डाइट होता है हमारा खाने का, उसके साथ थाली में प्याज के टुकड़े 2 मिलता था, वो भी थाली से गायब है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस महंगाई में और ये जो प्याज इतनी कीमत इनके जो है, जहाँ लोगों ने बोरी बोरी प्याज भी अपने अपने घर में एक उन्होंने एक सिस्टम है कि जब प्याज की जब एक सीजन आते हैं उसमें हर आदमी थोड़ा सा घर में ले रखते हैं, लेकिन आज भाई मुझे जैसे देखा दे रहे हैं प्याज को एक शोकेस की तरह थोड़ा थोड़ा करके सजाए रखी है। कुछ लोगों ने तो पाइया प्याज ले रहे हैं, कोई आधा किलो ले रहे, लेकिन किलो की बात जब से उसका रेट सुनते हैं उसमें उनकी घबरावटी बहुत ज़्यादा है और वो आधा किलो तक ही सीमित रह गया। और बहुत ही कम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्याज को, क्योंकि इस महंगाई में उनका जो है बहुत मुश्किल हो रही है। सब्जी विक्रेता भाटिया का कहना है कि ऊंचे दाम होने के कारण आम आदमी ने प्याज की खरीदारी कम कर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्याज की अच्छी फसल होने के बाद किसानों की सही दाम नहीं मिल सके थे, जिस कारण इस बार किसानों ने कम बुआई की थी और इसी का कारण है कि इस बार कीमतें ज्यादा हो रही हैं। फास्ट फूड का काम करने वाले राजेश ने बताया कि प्याज का दाम ज्यादा होने के कारण उनके काम में असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी हर डिश में प्याज का इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि प्याज की कीमतों में इजाफे से उनकी लागत में बढ़ोतरी हो रही है और मुनाफे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि जब पिछली बार प्याज की फसल निकली थी तो
तो रेट काफी डाउन हुए थे। जिम्मेदारों में सब मंडियों में जाके प्याज को बेचने के बजाय प्याज को फेंकना ठीक समझा। उस वजह से इस बार जो किसानों ने जो है वो प्याज की फसल बहुत कम उगाई है, और प्याज की फसल कम होने की वजह से जो है वो प्याज के दाम जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज की डेट में प्याज जो है वो 60 रुपए किलो रिटेल बिक रहा है, जो कि आज से हफ्ता 10 दिन पहले 40 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था। प्याज के रेटों में जो बढ़ोतरी है वो फसल की पैदाइश के कम होने के कारण हो रही है, बाकी इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। जल्दी ही जैसे कि प्याज के दाम बढ़े हैं, वैसे ही जो ग्राहक किलो प्याज लेता था आज 250 ग्राम आधा किलो प्याज भी लेता है, और ये फर्क जो पड़ा है मध्यवर्ती तबके के लोगों को, गरीब आदमी को, दिहाड़ीदार आदमी को पड़ा है। बाकी जिनकी कमाई ठीक है उसी तरह से आज भी 60 रुपए किलो के हिसाब से प्याज लेते हैं। किलो लेना तो किलो लेते हैं, 2 किलो वाले 2 किलो लेते हैं। सिर्फ गरीब आदमी और मध्यवर्ती आदमी के लिए जब महंगाई आती है तो उसके लिए मुश्किल होती है। प्याज खाने में गरीब आदमी और मध्यवर्ती आदमी को दिक्कत जरूर आ रही है। वो कम प्याज ले रहा है और छोटा प्याज डालने के लिए हमको बोल रहा है कि छोटा प्याज डाला जाए, जिससे कि हमारे घर में प्याज जो है वो अगर आधा किलो भी ले तो हफ्ता भर उसमें हम निकाल सकें। टमाटर तो जो है वो काफ़ी दिनों से 60 रुपए किलो रिटेल के हिसाब से बिक रहा है, और वो जो 60 रुपए किलो पर काफ़ी दिनों से टिका हुआ है। अब मेरे को लगता है कि जो टमाटर होता है ये सर्दियों में लगता क्या है, जो मेरे को जानकारी है टमाटर सर्दियों में पैदाइश बहुत कम होती है, और हर साल ही सर्दियों में टमाटर के दाम गर्मी अपेक्षा अधिक रहते हैं। प्याज की रेट कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं, इसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मैं फास्ट फूड कार्य करता हूँ, लेकिन 2-4 दिन से प्याज की कीमत आजकल 60-70 रुपये के करीब पहुँच गई है, जिस कारण हमारा व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। एक्चुअली प्रभाव इतना पड़ा है कि जो चीज़ हमें 20-30 रुपये में मिल रही थी वो नक्शी 60-70 रुपये मिल रही तो फर्क पड़ गया, जबकि हमारा कार्य प्याज और गोभी वगैरह से चलता है।